नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा दो रंग से बनने वाला स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये ऐसा डिज़ाइन है निटिंग का, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक वाइज बहुत ही सुंदर आता है, ख़ास तौर पर अगर आप इसको बच्चों के स्वेटर पर बनाएंगे या कार्डिगन जैकेट्स पर बनाएंगे तो बड़ा ही सुंदर बनकर आएगा। ये दो रंग से मैं इसको बनाऊंगी और यहाँ डेमो के लिए मैंने 25 स्टिचेस ले लिए हैं, 25 फंदे लिए हैं मैंने। और यहाँ पे हमें कास्ट ऑन करने हैं मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल के हिसाब से हमें फंदे डालने हैं। 7 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए, और 2 फंदे हमने एजिंग के अलग से ले लेने हैं। तो यहाँ 25 फंदे लिए हैं। ये जो हमारा डिज़ाइन है राइट साइड से स्टार्ट होगा, तो मैंने एक सिलाई उल्टी बुन के अपने फंदों को सीधी तरफ ले लिया है और इसको हम दो रंग से बनाएंगे। शेरों में ये डिज़ाइन रिपीट होके कंप्लीट होगा, तो बार बार शेरों को हम रिपीट करते हुए डिज़ाइन को बना लेंगे। तो रो की फर्स्ट जो हमारी रो है जो पैटर्न की, तो इसको हम बनाएंगे राइट साइड से। तो पहली जो सिलाई है हमारी, जहाँ पर हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सुंदर सा बॉर्डर बनाइए। तो बॉर्डर के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइन में बॉर्डर बनाए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी अपनी मनपसंद का भी आप अपना बॉर्डर बनाइए और उसके बाद इस डिज़ाइन को आप पहली सिलाई से बढ़ाएंगे। और आपने अगर फंदे बढ़ाने हैं तो आपने रॉन्ग साइड से बढ़ा के फिर आपने राइट से इस पैटर्न को स्टार्ट कर लेना है। फर्स्ट रो को मैंने, जो आपने दो रंग लेने हैं उसमें से एक रंग को हमने पहले यूज़ कर लेना है, तो इसके साथ हमने सारे फंदे पहली सिलाई के सीधे बुन लेने हैं। तो रो वन राइट साइड फर्स्ट कलर के साथ नीट आल स्टिचेस। अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं, उल्टी तरफ, उल्टी साइड से, राउंड साइड से हमने एजिंग का एक फंदा स्लिप कर लेना है और बाकी के सारे फंदे जो हैं वो उल्टे बनाने हैं। तो हमारी जो रो है 2 रॉन्ग साइड, यहाँ पे हमने सारे फंदे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये बड़ा ही आसान डिज़ाइन है, बिगनर्स जो सिर्फ सीधा और उल्टा जो भी बनाना जानते हैं, जो जिन्होंने नई नई अभी नीटिंग स्टार्ट की है, तो उनके लिए बड़ा आसान सा डिज़ाइन है। दूसरी सिलाई हम सारे फंदे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं राइट साइड, तो राइट साइड भी हमने सीधी तरफ से तीसरी सिलाई जो है हमारी थर्ड रो है, इसको भी हमने सभी फंदों को सीधा ही बुनना है। मैं आपको अभी ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये सीधे ही फंदे बुनने हैं, तो मैं तीसरी सिलाई आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। उल्टी तरफ आगे हम, रो 4 है हमारी, रो 4 में हमने एजिंग का एक फंदा स्लिप करना है और उसके आगे जितने भी फंदे हैं वो सारे उल्टे बुन लेने हैं। बेसिकली इस डिज़ाइन में हम चार चार सिलाइयों का या चार चार रोज का डिफरेंस देके हम डिज़ाइन को डालेंगे, तो इसलिए एक सिलाई सीधी फिर उल्टी फिर सीधी और उल्टी करते हुए मैंने 4 रो बना लेनी है, और जो कि सीधे और उल्टे फंदों से बनेगी। तो ये चौथी सिलाई है मेरी, रो 4 है रॉन्ग साइड, यहाँ पे मैंने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। तो पर्ल ऑल स्टिचेस इन रो 4। तो ये देखिए हमारा 4 का गैपिंग के लिए मैंने 4 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं। इसके बाद हम 5वीं सिलाई से एक तो कलर चेंज करेंगे और साथ में 5वीं सिलाई से हम डिज़ाइन को डालेंगे। तो ये देखें एक फंदा हमने स्लिप करना है, पहले हम कलर चेंज करेंगे। देखिए अभी मैं बताती हूँ, 8 के मल्टीपल का डिज़ाइन है ये, देखें। अब हमने 5वीं सिलाई से 5th रो से कलर को चेंज करना है। आपने जो भी दूसरा रंग लिया होगा वो यहाँ पे हमने ऐड कर लेना है। इस तरह से स्टिच को बांधेंगे और उसके बाद हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। अब देखें
एजिंग का एक फंदा छोड़ के आगे हमने 7 फंदे सीधे बनाने हैं। सात फंदे हमने सीधे बुनने हैं, ये देखें 2, 4, 6 और 1, 7 हो गए। एजिंग का छोड़ के हमने 7 फंदे सीधे बनाए। उसके बाद 8वें फंदे में हमने डिज़ाइन डालना है। तो देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर बनेगा यहाँ पे। एक फंदा सीधा बनाया, उसे उतार दिया, फिर उसी फंदे को फिर से सीधा बनाएंगे। ये एक फंदा बन गया, अब दूसरा बनाएंगे। ये देखें ये दूसरा फंदा हो गया। पहले इसे बुनेंगे, इसको छोड़ देंगे और फिर बुने हुए फंदे को फिर से बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये तीसरा फंदा बना लिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे काउंट करते हुए जाना है और 7 फंदे बनाने हैं एक फंदे का। एक ही फंदे को हमने 7 बार बनाना है। तो यहाँ पे हमारे 1 के 7 फंदे बन जाएंगे। इस स्टेप को बड़ा आराम से करिएगा, क्योंकि एक ही फंदे को हम बार बार बनाए जा रहे हैं और वहाँ से 7 फंदे निकालने हैं, तो थोड़ा आराम से इसको करेंगे। ये देखें 2, 4, 6 और 1, 7 को छोड़ के यहाँ पे हमने 7 बनाने हैं। तो 2, 4, 6 बने हैं, अभी एक और बनाएंगे। ये हमारा 7वां फंदा भी बन गया था, ये देखें। अब हमने 1 के 7 किए, अब यहीं से हमने टर्न करना है। ये देखें यहीं से हम उल्टी तरफ मुड़ जाएंगे। धागे को पीछे कर लेंगे। अब हमने ये जो 7 फंदे हैं, इन 7 फंदों को हमने देखें 2 बार धागा लपेट के इन 7 फंदों को एक एक करके सीधा बुनना है। 2 बार धागा लपेट के एक एक करके हमने ये 7ों फंदों को बनाना है। ये दूसरा हो गया, ये हमने तीसरा कर लिया, फिर चौथा 2 बार धागा लपेट के बनाया, 5वां 2 बार धागा लपेट के उतारा इस तरह से, 6। तो ये हमने 7 के 7 फंदे 2 बार धागा लपेटते हुए सीधे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हमने फिर से टर्न करना है और राइट साइड आ जाएंगे। अब देखें अब क्या करेंगे। ये जो 2 बार हमने धागा लपेटा था, इन सभी फंदों को हमने अनट्विस्ट करना है, यानी कि इनको खोल देना है। इनके जो 2 बार धागा लपेटा था इसको खोलेंगे 7 फंदों को, और अपनी राइट हैंड वाली नीडल पे ले लेंगे इन सभी को। फिर देखिए लेफ्ट वाली नीडल पे इन 7ों फंदों को इस तरह से चढ़ा के हमने ये 7 इस तरफ आगे फंदे, अब पीछे वाली तरफ से इस तरह से सिलाई डालेंगे, नीडल डालेंगे और एक फंदा हमने यहाँ से सीधा बुन लेना है, 7 का 1 कर देना है। इनको छोड़ना नहीं है नीचे। अब इनको आगे वाली तरफ से भी हमने इस तरह से नीडल लगा के आगे से भी एक फंदा यहाँ पर सीधा बुनेंगे। तो इन 7 का हमने 2 बार सीधे फंदे बुने, 1 बार हमने पिछली तरफ से और 1 बार हमने फ्रंट लूप से बुना इसको, और इसको हम धागा खींच के अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि ये जो हमारी लूप्स थी ये अच्छे से टाइट हो जाएं और हमारा जो फूल है वो बड़ा ही सुंदर टाइट बन जाए। अब देखिए आगे हमने फिर से 7 फंदे बुनाने हैं सीधे। सात फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 4, 6, 7 हो गए। अब ये वाला डिज़ाइन हम यहाँ पे फिर से आगे 8वें फंदे पे बनाएंगे। तो फिर से वही करेंगे, 8वें फंदे को लेंगे और यहाँ पे हमने 1 फंदे के 7 फंदे बनाने हैं। तो जैसे हमने पहले फ्लावर बनाया वैसे ही हम इसको बनाएंगे फूल को। आप देखिए इसको ध्यान से, मैं एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ।
उल्टी तरफ से हमने फिर से वैसे ही करना है, इन सातों फंदों को दो बार धागा लपेटते हुए सीधा बुन लेना है। उसके बाद फिर से हमने सीधी तरफ आ जाना है राइट साइड, और यहाँ पे हमने अनट्विस्ट करना है इन सातों फंदों को। उसके बाद हम एक बार इसको बैक लूप से निट करेंगे और एक बार इसको फ्रंट लूप से निट करेंगे, यानी कि दो बार हमने सीधा बनाना है इसको, एक बार बैक लूप से और एक बार फ्रंट लूप से हम इसको सीधा बुन लेंगे। और यहाँ पे हमने सात के दो फंदे कर लेने हैं, और जो 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 फूल है इसको हम आगे वाली तरफ करके धागे को अच्छे से टाइट करके खींच देंगे। और नेक्स्ट अगले हमारे जो सात फंदे हैं वो सीधे बुन लेने हैं हमने, जो कि हमने अपने पैटर्न को इक्वल करने के लिए सात फंदे एक्स्ट्रा डाले थे वो हमने बुन लेने हैं, और एक फंदा हमारा एजिंग का होगा वो हमने सीधा बुन लेना है। तो रो फाइव हमारी ये राइट साइड से इस तरह से हमने कंप्लीट करनी है। अब आ गई हमारी रो सिक्स, आ गई रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से। पहला फंदा हमने स्लिप किया, आगे हमने सात फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखें, पहला फंदा छोड़ के सात फंदे उल्टे हुए। अब जो दो फंदे थे, जो सात के दो किए थे हमने, इनको हमने दो का एक कर देना है। फिर अगले फंदे जो हैं सात हमने गिन के उल्टे बना लेने हैं, और फिर हमने दो फंदों का एक फंदा उल्टा बना देना है। तो इससे जो हमारा सीधी तरफ से एक फंदा बड़ा था ना वहाँ पे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, उल्टी तरफ में वो एक फंदा हमने कम कर लिया, क्योंकि वहाँ पर हमने सात के जब दो किए थे तो यहाँ पे हमने दो से फिर एक कर लिया, तो हमारे फंदे उल्टी तरफ से फिर बराबर हो जाएंगे। तो रॉन्ग साइड से हमने इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए, पैटर्न की हमारी सिक्स रो भी कंप्लीट हो गई। तो ये डिज़ाइन मैंने दो बार ही बनाया है, तो इस तरह से इसकी लुक आई है। आपने इन्हीं छः सिलाइयों को रो वन से लेके रो सिक्स तक रिपीट करते हुए जाना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने जब रिपीट करना है तो उसके बाद इस डिज़ाइन को या इस बेरीज़ को या फ्लावर को हमने पैटर्न को शिफ्ट भी करना है। जैसे ये दो बनाए हैं हमने, इसके बीच में एक बनेगा यहाँ पे, तो इस तरह से हमने इसको पैटर्न को शिफ्ट करना है। तो ये देखिए, मैंने ज़्यादा फंदों में थोड़ा बनाया है डिज़ाइन, तो इस तरह से इसकी लुक आई है। आप किसी भी दो रंग को लीजिए और उसके साथ इस डिज़ाइन को बनाइए, बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है और बड़ा ही आसान है। बेसिकली एक ही सिलाई में इस डिज़ाइन को पूरा डालना है, और इसमें गैपिंग के लिए मैंने चार सिलाइयाँ सीधी और उल्टी की रखी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस डिज़ाइन को आप अपने स्वेटर पर डाल सकते हैं, लेडीज़ कोटी पर डाल सकते हैं, अगर आप गर्ल्स की जैकेट्स बना रही हैं तो उस पर भी बड़ी प्यारी लुक इसकी आती है। बच्चों के स्वेटर बनाइए, इसे कैप्स बना सकते हैं, मेबी फ्रॉक बना रही हैं तो फ्रॉक के नीचे जो घेर होता है उसके ऊपर आप इस डिज़ाइन को डालेंगे, तो ये बड़ा ही प्यारा रसबरी टाइप जैसे होता है ना, वैसे ये डिज़ाइन बनता है। और ये बेरीज वाला डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनकर आता है। आप डार्क और लाइट कलर की ऊन लेंगे कोई भी कम्बिनेशन में, तो बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। देखिए, मैंने पर्पल के साथ वाइट कलर की शेड ली है, और यहाँ पर मजेंटा के साथ येलो शेड ली है, तो देखें उसके साथ कितनी प्यारी कॉम्बिनेशन आई है। तो जैसे मैंने ये चार फूल बनाए हैं वाइट के, तो इसके सेंटर में मैंने तीन बना लिए हैं, तो फिर नेक्स्ट जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो फिर ये चार बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने शेष सिलाइयों के बाद अपने पैटर्न को शिफ्ट भी करते जाना है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।